LMI आपको मिलती कैसे है, कौन आपको LMI प्रोवाइड कर सकता है, LMI की क्या कॉस्ट होती है एंड एट द एंड LMI आपको जो है वो PR में कैसे हेल्प कर सकता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो दोस्तों, पिछली कुछ वीडियो में मुझसे एक सबसे ज्यादा जो पूछने वाला क्वेश्चन है वो है कि LMI पर आप PR कैसे हो सकते हैं एंड LMI जो है वो कनाडा में आकर आप लोग कैसे ले सकते हैं, बिकॉज लोग जो है वो कनाडा में आना चाहते हैं बहुत सारे प्रोफेशन में, जैसे कि प्लम्बिंग में, कारपेंटर में एंड और भी बहुत सारे प्रोफेशन है, ट्रकिंग हो गई, एग्रीकल्चर हो गया। सो ऑलमोस्ट मैंने हर तरीके की वीडियो बना चुका हूँ, ट्रकिंग में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डाउट है लोगों को वो है कि विस्टर वीज़ा में आके आप वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एंड आप जो है वो LMI ये कैसे ले सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है। सो आज इस वीडियो में मैं LMI के ऊपर कुछ मेन टॉपिक्स रखूंगा, जैसे कि LMI आपको मिलती कैसे है, कौन आपको LMI प्रोवाइड कर सकता है, LMI की क्या कॉस्ट होती है एंड एट दी एंड LMI आपको जो है वो PR में कैसे हेल्प कर सकता है एंड आपके विस्टर वीज़ा को भी वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट कर सकता है। सो आज ये सारी बातें मैं इसी वीडियो में करूंगा, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स गो गाइस, LMI ये होती है लेबर इंपैक्ट असिस्टेंट प्रोग्राम एंड गाइस सबसे बड़ा जो डाउट है वो ये होता है कि क्या ये LMI विस्टर वीजे वाले भी ले सकते हैं। सो आपका ये जो डाउट है वो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि LMI जो है वो हर किसी के लिए होती है, फिर चाहे वो कनाडा में एज अ स्टूडेंट आया है, एज अ वर्कर आया या फिर एज अ विस्टर वीजे पर आया है, क्योंकि LMI का मेन रीजन ही ये होता है कि उसमें एम्प्लॉयर ये जताना चाहता है गवर्नमेंट को कि हम कोई बंदा हायर कर रहे हैं जो कि हमारी कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आगे जाके वो हमारी कंपनी को आगे बढ़ाएगा। सो मेन रीजन ही ये होता है LMI दिलाने का। एंड गाइस, इसके बाद जो सबसे बड़ा डाउट आता है वो ये आता है कि क्या LMI ये हर प्रोफेशन का बंदा ले सकता है। जी हाँ गाइस, LMI जो होती है वो हर प्रोफेशन का बंदा ले सकता है। बहुत सारे स्किल्ड वर्क होते हैं जो इस प्रोफेशन में कैटेगराइज होते हैं, जैसे कि कारपेंटर हो गया, फिर प्लम्बिंग हो गया, फिर आपका ट्रकिंग हो गया एंड आपके एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क से रिलेटेड हो गया। सो अगर आपको इसके ऊपर और भी ज्यादा डाउट होता है कि हाँ LMI ये कौन कौन बंदा ले सकता है, सो कनाडा की एक वेबसाइट होती है IRCC.com, उस पर आप जाके जो है वो देख सकते हैं कि आपका जो प्रोफेशन है वो क्या LMI के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है फाइंड आउट करने का कि क्या आप कनाडा में आकर जो है वो LMI ले सकते हैं या नहीं ले सकते। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कनाडा में जितने भी स्किल्ड वर्क हैं वो सारे जो हैं वो LMI के लिए एलिजिबल होते हैं। सो गाइस, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या LMI लेने से आपको कनाडा में आकर वर्क परमिट मिलेगा या फिर क्या LMI आपको हेल्प कर सकता है वर्क परमिट दिलाने में। सो इसका क्वेश्चन भी हाँ है, बिकॉज LMI से क्या होता है, LMI आपको जॉब ऑफर से मिलती है कि आपको एक कंपनी बताती है इमिग्रेशन को कि हम इस बंदे को रख रहे हैं यहाँ पे एंड इसको जॉब दे रहे हैं एंड इसीलिए हम इसको LMI दे रहे हैं। सो वो जब आपको जॉब ऑफर मिल जाता है LMI के बाद, सो उससे क्या होता है, उससे आप इमिग्रेशन एजेंट को ये बताएंगे कि हाँ इस कंपनी ने मुझे हायर कर लिया है, सो मुझे वर्क परमिट चाहिए यहाँ पे स्टे करने के लिए ताकि मैं इस कंपनी में काम कर सकूँ। सो इमिग्रेशन जो है वो उस LMI के बेस पर आपको जो है वो कनाडा में वर्क परमिट देती है ताकि आप उस कंपनी में काम कर सकें। सो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है, LMI कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है LMI से रिलेटेड। सो LMI का बेसिक रूल यही होता है कि वो आपको जॉब ऑफर्स में हेल्प करता है एंड एक बार आपको जॉब ऑफर मिल जाती है तो आप उस जॉब ऑफर के जरिए जो है वो आगे जाके वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं एंड अपने विस्टर वीजे को भी जो है वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। गाइस, LMI आपकी अप्रूव होने के बाद LMI कब तक वैलिड रहती है? सो LMI जो है वो 6 मंथ के लिए वैलिड होती है एंड आपको घबराने की बात नहीं होती, बिकॉज LMI मिलते ही आप जो है अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं एंड वर्क परमिट आपको ईजिली अप्लाई हो जाता है एंड जैसे जैसे आप उस कंपनी में काम करते हैं एंड अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर भी हो रहा होगा सो आप जो है उसको एक्सटेंड करा सकते हैं अपनी कंपनी के जॉब ऑफर के जरिए। अब गाइस, सबसे बड़ा क्वेश्चन, LMI में जो है वो खर्चा कितना आता है? अब देखो, इसके अंदर आती हैं दो सिचुएशंस। सबसे पहली, अगर आप यहाँ पे आए हैं विस्टर वीज़ा पर, सो अगर आप खुद जाके काम ढूंढ सकते हैं या फिर आपके पास बैक होम कोई एक्सपीरियंस है एंड यहाँ पे आके आप उसी कैटेगरी में काम करते हैं सो आपको जो है वो जॉब मिल जाएगी ढूंढने से एंड अगर आप खुद जॉब ढूंढ लेंगे एंड अगर आप वहाँ पे काम करेंगे सो वो जो है कंपनी वाला आपको जो है वो LMI प्रोवाइड कर देगा। कुछ कंपनी आपको ईजिली LMI प्रोवाइड कर सकती है एंड कुछ कंपनी जो है वो आपसे एग्रीमेंट भी कर सकती है कि हाँ आप हमारे साथ 1 या 2 साल काम करो एंड उसके बाद जो है हम लोग आपको LMI देंगे। सो अगर आपके साथ ये केस होता है कि अगर आप खुद ही जाके अप्लाई कर रहे हैं एंड अगर आपको कोई ना कोई कंपनी खुद LMI प्रोवाइड कर दे रही है सो आपका जो है वो खाली जो है एजेंट का खर्चा आएगा जो कि $5,000 या $6,000 होगा एंड वो आपको आगे जाके हेल्प करेगा LMI को प्रोसेस करने में। अगर आप अपने तरीके से खुद LMI के जॉब ढूंढ सकते हैं सो आपका कम से कम
कम खर्चा होगा। गाइस यहीं पे अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरी की, आप जो है वो LMI वाले जॉब नहीं ढूंढ पा रहे, सो इस कैटेगरी में क्या होता है, बहुत सारे एजेंट्स के पास जो है वो प्री अप्रूव्ड LMIs पड़ी होती हैं, मींस उन्होंने ऑलरेडी गवर्नमेंट से जो है वो जॉब ऑफर्स अप्रूव्ड कराए होते हैं 2-3 जगहों के, एंड आप जो है वो जाके जॉब ऑफर्स उनसे ले सकते हैं। अब वो जॉब ऑफर्स जो है बहुत सारी स्किल्ड वर्क में उन्होंने अप्लाई कराए होते हैं, ट्रकिंग में, एग्रीकल्चर फील्ड में, एंड जिस भी फील्ड में आप इंटरेस्ट दिखाते हैं, सो उस फील्ड में जाके जो है वो आप LMI उनसे ले सकते हैं, उनके पास प्री अप्रूव्ड पड़ी होती हैं, सो आपको खाली उनके पास जाना है एंड वो आपको जो है वो जॉब ऑफर दे देंगे, फिर उस जॉब ऑफर के जरिए जो है वो आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। सो ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा ईजी लगता है एंड बहुत ही ज़्यादा ईजी है भी, लेकिन इसमें सबसे मेन बात क्या है, इसमें सबसे मेन बात यह है कि जो पहली कैटेगरी थी उसमें खाली आपका $5,000 या $6,000 लगता था, बिकॉज उसमें आपने खुद मेहनत की होती थी जॉब ढूंढने में एंड जॉब ऑफर ढूंढने में, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपके कुछ मेहनत नहीं होती एंड आप जो है वो एजेंट से जाके जो है वो LMI ले रहे हैं। सो एजेंट जो है आपका इससे बहुत अच्छा खासा पैसा चार्ज करता है, जो कि अराउंड 20,000 से लेके 25,000 या 30,000 तक भी पहुंच जाता है। सो ये एक तरीके का बेचने खरीदने वाला सिस्टम होता है, सो इसीलिए एजेंट इस चीज में आपसे अपना मन मर्जी का चार्ज जो है वो लेता है। अब गाइस कुछ बातें जो आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप जब भी कनाडा आ रहे हैं ये सोच के आ रहे हैं कि आपने कनाडा में आके LMI लेनी है, सो सबसे पहले तो आने के लिए उस सिटी में प्रिपेयर करिए जिस सिटी में ऑलरेडी जॉब्स के ऑप्शन बहुत ज्यादा हैं, उस सिटी में ना आइए जहाँ पे जॉब्स के ऑप्शन बहुत ज्यादा कम है, बिकॉज जहाँ पर आपको जॉब के ऑप्शन बहुत ज्यादा मिलेंगे वहीं पर आपको LMI मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे एंड आपको जो है वो LMI खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर एजेंट के थ्रू जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड आप खुद ही जो है वो जॉब ऑफर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उस सिटी में आ रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी जॉब के ऑप्शन बहुत ज्यादा कम है, सो वहाँ पे आपको जॉब तो खुद मिलेगी नहीं, ऊपर से विजिटर वीजे पर आपके पास टाइम भी बहुत ज्यादा कम होता है एंड फिर आपको जो है वो एजेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी एंड उसको पैसा देना पड़ेगा अच्छा खासा। सो इससे बेटर है कि उस सिटी में आइए जहाँ पर जॉब के ऑप्शन बहुत ज्यादा हैं, आपको एजेंट की हेल्प भी ना लेनी पड़े एंड आप खुद भी जो है वो जॉब ऑफर ढूंढ लें। जहाँ पे जॉब ऑफर ढूंढने की बात है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जो ऐसी ऐसी सिटीज में गए हैं जहाँ पे उनको जाते ही 2 या 3 महीने में जो है वो LMI कंपनी प्रोवाइड कर देती है, बिकॉज कंपनी के पास भी इंप्लॉयज बहुत ज्यादा कम होते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको जो है वो अच्छा खासा बंदे मिले काम करने के लिए, सो वो आपको LMI देने के लिए भी इग्नोर नहीं करते हैं एंड आपको इजीली LMI प्रोवाइड कर देते हैं। सो गाइज एट द एंड ये सब आप पे है कि आपने कनाडा में आकर कितनी मेहनत करनी है LMI के लिए, बिकॉज अगर तो आपके पास अच्छा खासा पैसा है फिर तो आप कहीं भी चले जाइए, एजेंट को पैसा दीजिए एंड वो आपको LMI दे देगा, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है एंड आप सोच रहे हैं कि आपका काम सस्ते से सस्ते में हो जाए, सो आपको जो है वो मेहनत तो करनी पड़ेगी एंड उसके लिए जो है वो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा सिटीज़ को। सो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि कनाडा आने से पहले अपने जो ऑप्शंस है वो ढंग से ढूंढ कर आएँ, पता कर कर आएँ, सिर्फ एक एजेंट की बातों में ना जाएं, बिकॉज वहाँ पे आपको कोई भी एजेंट कह देता है कि आप इस सिटी में चले जाओ वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, सो उस पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें एंड खुद की रिसर्च करें, बिकॉज एजेंट का काम होता है आपको भेजना एंड अपनी जेब भरना, सो अगर आप उसके कहने पे आओगे सो यहाँ पे आके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। बिकॉज मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था, एजेंट ने उसको LMI बेस्ड वर्क परमिट यहाँ पे दिला के भेज दिया था एंड वो लोग उसको पे भी बहुत ज़्यादा कम करते थे एंड उसको तंग भी बहुत ज़्यादा करते थे, सो वो यहाँ पे 6-7 महीने रहा एंड फिर वो यहाँ से चला गया बैक होम। सो आपके साथ ऐसा ना हो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी एंड ध्यान में रखना पड़ेगा कि एजेंट जो है वो सिर्फ अपनी ना चलाए एंड आप कुछ अपने तरीके से भी काम करें। आई होप इस वीडियो के जरिए आपका जो है वो LMI के थोड़े बहुत डाउट जो है वो क्लियर हुए होंगे एंड स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है सो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। सो आगे ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोज़ मैं बनाऊंगा, सो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।